नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल भगवान लोक में। अगर आप भगवान के बीच विश्वास रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भगवान लोक पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। कहीं के भी दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो बड़े भयानक स्वप्न हम सबको दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिखते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हमारी यह आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो कि अजर, अमर, अविनाशी है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता ही पड़ती है। लेकिन हमारा मन गति करता है, इसी मन की गति को ही हम आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब आपका चेतन मन सो गया है, चेतन मन जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं तथा इसी के आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना दोनों बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है तथा उसके अंदर कोई राग नहीं होता है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हम स्वप्न देखने लगते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी यह आत्मा कही जाती है। दोस्तों, अचेतन मन चेतन मन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मन से अधिक काम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा चेतन मन के साथ नहीं जाता है बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है परंतु अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसीलिए सोने को दूसरी मृत्यु का भी नाम दिया गया है। क्योंकि जब कोई मनुष्य गहरी नींद में होता है तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आपकी आत्मा के साथ मिलकर भविष्य में चला जाता है तथा वह भविष्य को भी देख सकता है। जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है तब स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस तरह के स्वप्न तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। आपको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन विचलित हो जाता है, जो कि अचेतन मन के संकेत है। हमारा अचेतन मन भविष्य के बारे में कैसे जान लेता है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है तथा इसका आधार क्या है यह भी कहना कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटित होती है तथा उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। दोस्तों, आत्मा एक सहयोगी है तथा यह मात्र सहयोग कर सकती है। इसके कारण यह संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। हम आपसे भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से करेंगे। दोस्तों, भूतकाल का मतलब जो घटित हो चुका है
और उसके अंश आपके अंदर मौजूद है, लेकिन चेतन मन उन तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अचेतन मन इन तक आसानी से पहुंच सकता है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमिमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। स्वप्नों की पृष्ठभूमि में भी कहीं यथार्थ की परछाई रहती है। कई बार सपने बीते हुए कल तथा आने वाले कल की ओर संकेत करते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञानी कार्ल जुंग ने एक छात्रा का उल्लेख किया है जिसे सपने में मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वह देखती है कि वह मर चुकी है और कक्षा चल रही है। उसके पास कई मृत सहेलियां अगली बेंच पर बैठी हैं। कक्षा का वातावरण बहुत शांत और गंभीर है। उसे आभास होता है कि वह स्वयं शिक्षक है और मरने के तुरंत बाद लोगों को अपने जीवन का वृतांत सुना रही है। अन्य लोग चाव से सुन रहे थे। बाद में उसका यह स्वप्न सत्य साबित हुआ। स्लिप एंड ड्रीम्स में श्री अरविंद एवं श्री मां ने एक यात्री का उदाहरण दिया है जिसे सपने में चेतावनी मिलती है। यात्री एक होटल में ठहरता है। स्वप्न में वह एक वेटर को उसकी अर्थी की ओर इशारा करता है और अंदर प्रवेश करने के लिए कहता है। सुबह कमरे से बाहर आते समय उसे वही लड़का दिखता है। वैसे ही वस्त्र पहने हुए लिफ्ट की ओर संकेत कर रहा था। यात्री जब लिफ्ट की ओर जाने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट टूट गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। स्वप्न विश्लेषक जे आर ब्लैंड ने प्रसिद्ध शासक नौशेर खां के ऐसे ही एक सपने का जिक्र किया है। नौशेर खां ने सपने में देखा कि वह सोने के पात्र में मदिरा पान कर रहा है। उसी पात्र में एक काले कुत्ते ने भी शराब पी। उसने अपने मंत्री बुजुर्ग मेहर को अगले दिन बुलाकर स्वप्न सुनाया और विश्लेषण चाहा। मंत्री ने जो विश्लेषण बताया उसके अनुसार उसकी प्रिय रानी के पास कोई काला दास है, वह उसका प्रेमी है। यह बात अंतः सही निकली। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया ने स्वप्न देखा था कि 6 दांतों वाले हाथी ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। स्वप्न शास्त्रियों ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि जन्म लेने वाला शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान संत। भविष्य में यह बात सत्य हुई। महावीर के जीवन में अस्थिग्राम के शूलपाणि मंदिर में रात के अंतिम प्रहर में देखे गए ऐतिहासिक स्वप्न का उल्लेख है। महावीर ने स्वप्न में पिशाच की मौत, सफेद पंछी, कोयल, फूलों के दोहार, बैल, कमल के फूलों का सरोवर, समुद्र, रवि की किरणें, बाहों में लिपटा पर्वत तथा मेरु पर्वत की चढ़ाई देखी। उसी गांव के ज्योतिषी ने 9 स्वप्नों का विश्लेषण किया और बताया था। 2 फूलों के हार वाले एक स्वप्न का विश्लेषण महावीर ने स्वयं बताया था कि यह गृहस्थ और संन्यास दोनों में विश्वास जगाने का बोध है। वैज्ञानिक आविष्कारों एवं साहित्यिक रचनाओं में सपनों की भूमिका को देखा जा सकता है। नील वोहर की परमाणु संरचना और फ्रेडरिक द्वारा बेंजाइन की रसायन रचना की खोज इसके उदाहरण हैं। हेनरी फेहर के अनुसार सृजनशील व्यक्ति सपनों में अपनी समस्याओं के समाधान खोजते हैं। पटकथा लेखक जेम्स कैमरून ने स्वप्न से प्राप्त संकेतों के आधार पर ही अर्नाल्ड श्वार्जनेगर की प्रसिद्ध एक्शन फिल्म द लिखी थी। यह कहना उचित ही है कि सपनों का संसार जगत में अस्तित्व के गहन आश्चर्य और समाधान समेटे हुए हैं। आवश्यकता है समझने और समाधानों के रचनात्मक उपयोग की, जिससे कि यह मात्र कौतूहल एवं आश्चर्य भर न रहकर जीवन की गुत्थियों को हल कर लेने वाला एक सशक्त माध्यम बन सके।